ड्रीम डे स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 9th एक्सरसाइज 8.2 8.2 में देखिए क्या दिया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो देखिए ए बी सी डी इज अ क्वाड्रलेटर दिया है इन पिच पी क्यू आर एंड यस आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी और डी ए है ये फिगर आपका दिया हुआ है इस फिगर में तो आपको फर्स्ट क्या करना है एस yes, आर किसके पैरलर किसके हैं ए के और क्या है यस आर इक्वल क्या है वन अपान टू ए दिखाना है आपको दूसरा क्या है पी क्यू इक्वल यस आर दिखाना है और तीसरा क्या दिखाना है पी क्यू आर एस इज अ पैरलोग्राम जो पी क्यू आर एस दिया है एक पैरलोग्राम है कि नहीं ये बना हुआ है अंदर आपका पी क्यू आर एस इसको तो देखिए इसको फर्स्ट हम लोग प्रूव कर रहे हैं तो देखिए आपका इन अ ट्रेंगल क्या है हो जाएगा डी सी डी ए सी यस एंड आर आर द मिड पॉइंट दिया इसमें होगा इसमें आपका फिगर में भी देखते चलना है फिगर में देखिए बुक में फिगर बना तो आप लोग सॉल्व करते समय नोटबुक में फिगर बना लेंगे तो देखिए इसका आपका किसका मिड पॉइंट किसका हो जाएगा ये आपका किसमें है फर्स्ट ट्रेंगल डी ए सी डी ए डी ए सी इसमें तो ये एस और आर क्या है मिड पॉइंट है तो जब मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगी साइड आपकी डी ए एंड डी सी ये साइड हो जाएगी डी ए और डी सी ये दोनों साइड जब ये साइड हो जाएगी तो फिर आपको क्या कर देना है ये यस आर पैर किसके हो जाएगा ए सी के हो जाएगा एंड या आर कोल होना अपान टू ए सी हो जाएगा आपका ओके तो आपका ये फर्स्ट प्रूफ हुआ सेकंड दिया है इन आ क्या कहता है सेकंड में आपका देखिए सेकंड में दिया है आपका क्या दिया है इन आ ट्रिंगल बी सी ए पी एंड क्यू आर क्या दिया है मिड पॉइंट दिया है पी क्यू आर में तो मिड पॉइंट जब है तो आपका क्या हो जाएगा इसमें ये देखिए किसमें बी सी ए बी इसमें मिड पॉइंट पी क्यू है ये मिड पॉइंट है इन दोनों का पी क्यू ये बी और सी का मिड पॉइंट क्यू है और ए और बी का मिड पॉइंट क्या है पी है है मिड पॉइंट इसका तो इनका मिड पॉइंट है तो जब मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा दोनों का मिड पॉइंट है पी क्यू तो आपका मिड पॉइंट हो गया ए बी और बी सी साइड के मिड पॉइंट है तो फिर आपका जब मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा पी क्यू के पैरल कौन सा ए सी हो जाएगी ये पी क्यू के पैरल ए सी और पी क्यू इक्वल वोना पान ए सी हो जाएगा बट देखिए क्या हो जाएगा यस आर इसके पैरल ए सी हो जाएगा और यस आर यस इक्वल ओना पान टू ए सी हो जाएगा यहाँ से प्रूफ होता दूसरा तो आपका कैसे होगा पी क्यू इक्वल आर एस होना चाहिए यानी टू थिंग्स ऑफ द इक्वल इज द सेम यहां से हो जाएगा इक्वल हो जाएगा अब क्वेश्चन नंबर तीसरा ही सीम दिया है क्या दिया था पी क्यू पैरल होगा तो पी वन पॉइंट टू ए सी होगा करेंगे जब तो इसका क्या हो जाएगा आपका, तो आपका यहां से हो जाएगा क्या हो जाएगा पी क्यू पैरल पैरल ए सी इक्वल पी क्यू वन टू पहले प्रूव कर चुका आर एस ये आर एस किसका ए सी को हो जाएगा आर एस अपॉन टू ए सी तो पी क्यू उल क्या हो जाएगा आर एस पी क्यू पैरल आर एस तो पी क्यू आर एस इज ए पैरलोग्राम हो जाएगा ओके तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ से कंप्लीट होता है अब क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया देखिए क्या दिया क्वेश्चन नंबर सेकंड सेकंड कहता है ए बी सी डी इज आर रोम्बस दिया है एंड पी क्यू आर एस आर पॉइंट दिए हैं ठीक इनके मिड पॉइंट है साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए के रिस्पेक्टली सो so दैट करना है क्वारिलेटर पी रेक्टेंगल है जैसे इसमें हमको क्या शो करना था ये ये क्या है पैलोग्राम है इसमें क्वारिलेटर सिद्ध करना है कि रेक्टेंगल है तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये आपका इस टाइप का फिगर बनेगा ये ए बी सी डी ये फिगर बन रहा है इसका मिड पॉइंट क्या है देखिए ए बी का क्या है पी है बी सी का क्या है क्यू है सी सी डी का क्या है आर है और ए डी का क्या है यस है मिड पॉइंट है तो हमको प्रूव करना है कि ये मिड पॉइंट से बने हुए पी क्यू आर यस एक रेक्टेंगल होगा ये प्रूव करना है ये हमको लेट मान लिया ये आपका गिवे ना पूरा ओके तो इसको आप लोगों को लिख लेना है फिर देखें आगे करना कैसे करना है देखिए इसके एस इक्वल क्या हो जाएगा बी क्यू हो जाएगा आपको फिगर में देखना है एंड ए एस पैरल क्या हो जाएगा बी क्यू के हो जाएगा तो यहाँ से हाफ ऑफ ए बी ए डी इक्वल बी सी हो जाएगा एंड ए डी पैरल बी सी के हो जाएगा तो ए बी क्यू एस इज एक पैलोग्राम हो बन जाएगा देखिए यहाँ पास आपका क्या बनेगा ए बी क्यू एस एक पैलोग्राम बनेगा तो ए बी इक्वल क्या हो जाएगा एस yes, क्यू हो जाएगा फर्स्ट तो आपका यहाँ अपोजिट साइड क्या हो तो होते है की इक्वल होती हैं तो पी आर इक्वल डी आर हो जाएगा तो ए पी पैरल डी आर हो जाएगा तो यहाँ से आपका ए पी आर डी इज e आर पैरलोग्राम बनेगा तो जब पैरलोग्राम बने तो ए डी इक्वल क्या हो जाएगा आपका पी आर हो जाएगा तो बट देखिए ए डी इक्वल ए बी है साइड आप रोमबस से तो पी आर इक्वल एस हो जाएगा तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा पी क्यू आर या सीजे रेक्टेंगल हो जाएगा यहाँ से आपका प्रूफ हो जाएगा ये रेक्टेंगल है तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा होता है आपका सेकंड थ्री फोर भी इसी तरह करना है फाइव सिक्स सेवन सेवन को वन जैसे करना है तो इसका मैं आपको पी डी एफ दे दूँगा ओके okay, तो आप लोग कर लेंगे ईजी है क्वेश्चन तो आपका ये आपका कौन सा होता है एट पॉइंट टू इसी तरह ये चैप्टर एट कम्प्लीट होता है ओके okay. तो आपका यहाँ समरी में भी दिया है तो इसको आपको देखना है ये समरी वाला जो दिया है तो ये यह आपके यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन जाएगा जैसे दिया है। सम ऑफ द एंगल ऑफ द क्वारेटर इज थ्री सिक्सटी डिग्री होता है और डाइगोनल पैरोग्रा पैलोग्राम डिवाइडेड इंटू द टू कानग्रेन ट्रिंगल में डिवाइड यानी जो डायगोनल होते हैं उनको जो ट्रिंगल होते हैं इक्वल साइड में डिवाइड करते हैं ये इसको आपको रिवाइज कर लेना है ओके तो आपका इस तरह से चैप्टर एट कम्प्लीट होता है Thank you.